आपने, मैंने एक चीज देखी भी है कि आप ओल्ड मास्टर को काफी फॉलो करते हो, जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। राइट तो आपके हिसाब से किसी एक आर्टिस्ट को फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखो राहुल, जब तुम्हारे प्राइमरी स्टेज होता है, लेवल वन में तुम रहते हो, तो हर कोई एक का एक ना एक पैशन होता है किसी एक आर्टिस्ट को फॉलो करना। हम फॉलो करके ही तो ज्यादा बड़े होते हैं ना, ट्रू, तो बिल्कुल वो एक रोल मॉडल जरूर रहता है, लेकिन अपने आप वो खुद फील आ जाता है ये, मैं अपने आप का पहचान कैसे डालूं अपने पेंटिंग में। तो मैं एक चार लेवल का बात करूंगा। लेवल वन में जब हम बचपन से मैच्योर एज में आ जाते हैं, तो उसमें लेवल वन में क्या करना है, तुमको ऑब्जर्व करना है सब कुछ तुम्हारे सामने जो भी कुछ है ना, उसको ऑब्जर्व करो। मैंने बोला था राहुल, हम जो आर्टिस्ट लोग है ना, जो जिसका पैशन पेंटिंग है, वो हम आंखों से ड्राइंग करते हैं, हाथों से नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पढ़ा था आपका ये कोटेशन। तो हमको हर चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए। तुम्हारे सामने जो कुछ भी है, एक कप भी है, तो उसको तुमको ऑब्जर्व करना चाहिए राइटली, उसका डिरेक्शन कैसा है, उसका लाइट एंड शेडो उस चीज में कैसे पड़ा हुआ है। तो इन सभी को तुम्हें स्टडी करना है। लेवल टू में अब जब जाते हो, तो तुमको कॉपी करना है। तो फॉरेन स्कूल में जो जब ऐसे ही सिखाना जाता है कि तुम हर चीज को कॉपी करो, कॉपी करने से ना तुम्हारा जो आई जो है ना, उसका जो विजन है वो बहुत अच्छी तरह बिल्ट होता है। बिल्कुल तो करेक्ट, लेवल टू में तुम हम सभी को कॉपी करना चाहिए। उसके बाद जब आता है एक आर्टिस्ट का लेवल, एक्सक्यूज मी, लेवल थ्री में आता है कि एक आर्टिस्ट का लेवल। अभी तक तो हम एज ए पेंटर का स्टेज है, उसके बाद आता है एक आर्टिस्ट का लेवल जिसमें तुमको रूल्स को ब्रेक करना है। तुम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को जिस एंगल से देख रहे हो, तो तुमको ये करना चाहिए कि कुछ अलग करो थोड़ा सा। 1% भी तुम अगर अलग किया ना, तो वो तुम्हारा वर्क्स बन गया, वो तुम्हारा खुद का एक नाइस पहचान जो है वो बन गया। तो लेवल थ्री में तुमको, और बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है, तुमको कंफर्टेबल जोन को हमेशा लीव करना चाहिए। इस स्टेज में लेवल थ्री में तुम जो अचीव कर चुके हो उसमें नहीं रहो, उसके बाद सोचो, खुद को बदलो, थोड़ा थोड़ा करके बदलो। एक के बाद दो आता है, एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में लेकिन जरूर होगा, 10 महीनों में जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद आता है एक मास्टर का लेवल, जब तुम उस मुकाम तक, ये एक एज का मैटर है। लेवल फोर्थ तक अगर तुम पहुंच गए, वो एक मास्टर का लेवल है। तो उसमें ना क्या होता है ना, एक आर्टिस्ट अपने लाइफ का जितना भी फिलोसॉफी है, एक आर्टिस्ट जब मास्टर बन जाता है, उसका इमोशन, उसका सेंटिमेंट, उसका फीलिंग्स, अपने सोसाइटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी का जो लाइफ स्टाइल है, कैसे मैंने अपने लाइफ को एंजॉय किया, मैंने अपना लाइफ को फील किया, वो सभी अपने कैनवास में लाते हैं। तब जो है वो मुकाम आता है ना, वो एक आर्टिस्ट के लेवल से वो एक मास्टर के लेवल तक ऊपर, पहुंच जाता है। तो ये नाइस। एक ये आर्टिस्ट का आपकी जर्नी बात होता है। मुझे, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा भैया ये बात। मैंने एक चीज पढ़ी भी थी इस बारे में कि हमें इमोशन और फीलिंग पे बहुत जल्दी नहीं जाना चाहिए। पहले आप टेक्निकल पार्ट, जो बेसिक पार्ट है, उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग हो, उसके बाद फिर इमोशन के ऊपर जाओ, तो आप सही तरीके से जा पाओगे। ये बहुत और इंपॉर्टेंट चीज ड्राइंग आपने तो बताई। राहुल एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ट्रू, बिल्कुल कंप्लीटली एग्री। हाय दोस्तों, ये जो पूरा सेशन था मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अभी भी अपलोडेड है पूरा, मैंने लाइव किया था, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा भी होगा। ये जो क्लिप्स वगैरह मैं बीच बीच के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे, ये ना गोल्ड है।
आज के जो आर्ट के लवर्स हैं, आप लोग जो हो, जो आर्ट की फील्ड में हो, आर्ट की फील्ड में जाना चाहते हो, आर्ट में इंटरेस्टेड हो, और आने वाली जो जनरेशन है जो आर्ट के बारे में जानना चाहेगी, डीप नॉलेज जो लेना चाहेगी आर्ट के बारे में, उनको ये सारी बातें बहुत बहुत नॉलेज देंगे, बहुत काम की है ये सारी बातें। इसलिए मैं इसको हर जगह शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितने भी आर्टिस्टों से मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ, सबसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, उनके जो थॉट्स है, उनके जो एक्सपीरियंस है, उसको भी मैं शेयर करते रहता हूँ अपने सभी प्लेटफॉर्म्स में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के कनेक्ट नहीं किया अभी तक मुझसे, तो प्लीज कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें मैंने सोच रखी है, उस पर मैं काम कर रहा हूं। और बहुत जरूरी है आर्ट के ऊपर अवेयरनेस फैलानी, तो प्लीज अगर आप लोगों को लगे कि ये सारी नॉलेज काफी काम की है, अगर आपको अपने लिए काम की लग रही है, तो डेफिनेटली बाकियों के लिए भी बहुत काम की रहेगी। तो उसको शेयर जरूर करना और पूरा सेशन जरूर देखना, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में हैंडल डाल रहा हूँ, इंस्टा हैंडल। एंड जो अनुपम भैया है वो काफी अमेजिंग आर्टिस्ट है, तो उनका चैनल भी जरूर देखना, उनके वर्क्स भी जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका भी इंस्टा हैंडल मिल जाएगा। एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नई बातें शेयर करेंगे और आर्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप डूइंग व्हाट यू लव, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।